शख्स। मेरा नाम अर्पित काबरा है और मैं राहुल डागा और हम मुंबई से हैं। हमारा साइज देखकर इट्स नॉट हार्ड टू गेस दैट वी आर बिग टाइम फूडीज। इस सफर की शुरुआत 2013 में हुई। मार्केट में चल रहे रेगुलर फास्ट फूड कॉन्सेप्ट से हम कुछ हटकर करना चाहते थे। जैसे कि हमें पता है कि मैगी एक कंफर्ट फूड है और हम सब की अपनी अपनी मैगी कहानी जरूर होगी, तो इसी तरह बचपन की यादों के साथ में हमने इसे हमारा कोर प्रोडक्ट बना दिया और शुरू हुआ एक कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट हंग्री हेड। इट्स ऑल अबाउट मैगी। वी सर्व मैगी नॉट जस्ट वन टू और थ्री बट 80 फ्लेवर्स एंड वैरायटीज एट अ स्टोर। यस यस, मैगीज अ पिज्जा विद अ लेयर ऑफ मैगी, बोल मैगीज, मैगी सर्वड विद डिफरेंट फ्लेवर्स एंड सॉसेस, मैग बर्ग, बर्गर सर्वड विद क्रंची मैगी पैटी, मैगी मिसल, मैग भेल, मैगी सिजलर, मैग सब, मैगी पानी पूरी एंड मेनी मेनी मोर। मैगी पानी पूरी। पर इसके साथ साथ हमें ये भी रियलाइज हुआ कि हमारे इन हाउस प्रोप्राइटरी सॉसेस वो भी लाजवाब है, तो बस फिर क्या, इट्स ऑल अबाउट मैगी बन गया। इट्स ऑल अबाउट मैगी एंड मोर। इसीलिए हमारा विजन ये है कि हम हंग्री हेड को इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट बनाएं। मैं और यश एक कॉलेज फ्रेंड्स थे। आज यश का शार्क टैंक में आने का सपना पूरा हो रहा है। रामा, ये मैगी तैयार है, टेबल नंबर 5 पे रिसीव। अभी मैगबॉक्स में कितना टाइम है? रेडी कर रहा हूं। हेलो गाइस, हंग्री हेड के 3 हेड अर्पित, मैं राहुल और यश। मैं और यश कूल फ्रेंड्स थे। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब दो भाई को जुदा नहीं कर सकते, वैसा वाला सीन है। 2018 में यश हमारे साथ नहीं रहा, वो एक बाइक एक्सीडेंट में ही पास्ट अवे। यश को बहुत मेरे साथ मेरे बेटे का सफर शायद थोड़े टाइम के लिए रहा। भले ही वो हमारे साथ नहीं है बट हंग्री हेड में वो हमेशा हमारे साथ था, है और रहेगा। जब पहला फोन शार्क टैंक से आया थे कि आप अप्रूव हुए हैं, तब मैंने शायद इन बच्चों से बात भी नहीं कर पाई। मैं इतना मेरे यश के फोटो के पास रोई, उठ के देख बेटा, आज तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। आज डील मिली के ना मिली, पर मुझे ये है कि मेरे यश का सपना पूरा हुआ। I'm sure he's proud and happy watching us from heaven. So sorry, I lost a very dear friend just last year. Very dear friend and an integral part of Hungry Head. Sorry to hear that. May God bless him and bless you guys. आपके मेन्यू में पेरी पेरी फ्राइज है क्या? जी है मैम। तो मैं पवई में रहती हूँ, बाय द वे, एंड मैंने आपका पेरी पेरी फ्राइज ऑर्डर किया हुआ है एंड आई लव्ड इट। थैंक यू मैम। आई थिंक स्विगी पे अवेलेबल है। जी, स्विगी एंड Zomato बोथ पे, दोनों पे अवेलेबल है। तो मेरे घर में हंग्री हेड आ चुका है। थैंक यू मैम। वंडरफुल अर्पित एंड राहुल, तो आज की तारीख में आपके पास कितने रेस्टोरेंट्स हैं? करंटली वी हैव वन और वो मुंबई में है। जी, मुंबई पवई में मैम। और उसका सेल्स क्या है? इस साल के 6 months का सेल अभी 20 लाख रुपए। पिछले महीने का कितना था यार, ये बता। पिछले महीने का सर 5.5 लाख। बट यार मैं बार बार मैगी नहीं खाऊंगा, और मैगी मतलब मैं एक बार खा लूंगा हफ्ते में। आप इनको खिला सकते हैं। जी मैम, खाने खिलाने के मामले में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, है ना? आपके आने से पहले से अमन को इंतजार था कि कब हमें मौका मिलेगा। So this exotica cheese magiza है, signature burger है and aglio olio maggi है। आप तब तक इन लोगों से बात कर लो, मैं तो आ रहा हूँ। या मेकू? Yes sir। Yes sir। कुछ सवाल पूछने को, कुछ चीजें क्लियर नहीं है। जी sir। तो भी आपका एक रेस्टोरेंट? जी। Yes sir। आप महीने की 5.5 लाख की सेल करते हो? जी। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। सब अभी एक आउटलेट से है वो। एक आउटलेट के लिए भी क्या हुआ? आप कहीं पे भी शिमला चले जाओ, मसूरी चले जाओ, वहाँ मॉल रोड होती है। Yes, मॉल रोड के कॉर्नर पे एक बंदा होता है, वो मैगी बेच रहा होता है और अंडे बेच रहा होता है और कॉफी बेच रहा होता है। Yes। मैं आपको बता सकता हूँ उसकी सेल 10 लाख रुपए की होती है महीने की। जी। तो आपने ऐसा मैगी के साथ क्या उखाड़ लिया?
कि वो कोई जो हिमाचल में देख रहा है ये शो, उसको लगे यार ये सही है, इनको 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मिल गई। 10 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हैं ना जी। तो समझ नहीं आया मेरे को, आपका नंबर समझ नहीं आया, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? नहीं सर, अभी ऐसा है कि मार्केट अभी एक मिनट सॉरी टू इंटरप्ट जी मैम, दिस इज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू, डिलीशियस, थैंक यू, थैंक यू, मैंने तीनों चीजें ट्राई किए हैं, इट्स रियली गुड, थैंक यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। हां सर, तो जैसे मार्केट अभी धीरे-धीरे खुल रहा है, आवर अर्लियर सेल्स विद दिस स्टोर इट वाज 9 लाख टू 10 लाख रुपीस पर मंथ, बट ठीक है पैंडेमिक के वजह से हमने बंद किया। पर आप मेरे को एक बात बताओ, आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज है? बिकॉज आप में तो इसमें QSR भी कुछ नहीं है, आपने कोई असेंबली लाइन नहीं लगाई, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया हुआ प्रोसेस का। SOPs हैं सर, बट हाँ ये ऑब्वियसली ये हाँ कि वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ या मेरे को ये लगता है कि आपका ना एक ऑब्सेशन है मैगी को लेके, और मैगी कंफर्ट फूड है, बट मेरे को समहाउ इसको एक बिजनेस में ट्रांसलेट होते हुए कहीं पे दिख नहीं रहा, कोई नंबर्स है नहीं, एक रेस्टोरेंट है, तो मैं एटलीस्ट इससे बाहर होना चाहता हूँ अपफ्रंट। थैंक यू सर, बट सर एक बार फूड ट्राई कर लीजिए। हाँ मैं खा लूंगा, मेरे पास टाइम ही टाइम है। थैंक यू। हाय शार्क्स, आई एम सिद्धार्थ एंड आई एम विनय एंड टुगेदर वी फाउंडेड नॉट, बट बाबूजी की नजर में अपन दोनों बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। भाई तेरे बाबूजी ऐसा क्यों बोल रहे थे? भाई क्योंकि अपनी जनरेशन ज्ञानी बहुत है, सब पता है क्या अच्छा है क्या खराब है, बट जब जरूरत पड़ती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी की तो अपन पीते हैं वही रेगुलर एनर्जी ड्रिंक, और बाबूजी की नजर में तो बिल्कुल ही बेकार है, एकदम हमारी तरह। भाई हम इतनी एनर्जी ड्रिंक क्यों पीते हैं? भाई 388 से क्या सीखा, जिंदगी एक रेस है, तेज भागो नहीं तो कोई और कुचल के निकल जाएगा, और हमारी आज की जनरेशन यही सोचती है और फॉलो करती है लिव द एक्सट्रीम का प्रिंसिपल। And that's why we founded Knock. Knock to kick the rubbish off. Well done. Wow. Good shot. Knock, a healthier drink for a healthier world. Nice aim. Knock, Knock में amino acid है, folic acid है, biotin है, green coffee bean है, multivitamin है. बस भाई, कुछ है इसमें जो बिल्कुल नहीं है. Knock में sugar बिल्कुल भी नहीं है. और पूरे can में है सिर्फ 5 calories. Very good. हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी बैंगलोर से और आज हम प्रेजेंट हैं 1100 से ज़्यादा स्टोर्स में, और हम मौजूद हैं इंडिया की मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट एंड मेनी मोर। हम और 5 सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं भारत में और 2 एब्रॉड सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं। आपके बाबूजी को हम ये बता देंगे कि बेटा बड़ा नाम कमाएगा क्योंकि आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन है जिसमें आपने इतनी सारी खूबियां बताई, ये आपने इसका फॉर्मुलेशन कैसे बनाया, किसकी मदद से बनाया, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। जी हमारी टीम में देयर इज अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट जिनका 25 साल का बायोकॉम का एक्सपीरियंस है, जिनकी मदद से हमने ये फॉर्मूला डेवलप किया। ये हमारा खुद का फॉर्मूला है जिसे हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। कितने साल से कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलप? हम लोग बचपन से साथ ही रहे हैं, इनफैक्ट हमारा करियर भी लगभग सिमिलर लाइन पे रहा है, बोथ ऑफ अस आर मार्केटिंग प्रोफेशनल। अच्छा। और हमने एक कंपनी में एक साथ ही काम किया था, हम लोग दोनों थोड़े से हेल्थ फ्रीक हैं, हमें आदत है वो कि कुछ भी मिलता है थोड़ा सा लेवल पढ़ लेते हैं और थोड़ा ज्ञान बांट देते हैं लोगों को, ठीक है कि इसमें ना ये खराब है ये अच्छा है ये है, और फिर खुद वो पी रहे होते हैं तो हमने ना थोड़ी गालियाँ पड़ जाती है घर वालों से भी कलीग से भी कि मतलब ज्ञान इतना देते हो ठीक है कर तो तुम भी वही रहे हो। अब हमने बोला कि अगर ऐसा है तो हम व्हाई नॉट वी पुट समथिंग व्हिच कैन हेल्प एवरीवन इन दिस रिगार्ड। ये टेस्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल सर। सो दिस इज हाउ द ड्रिंक लुक्स लाइक। अच्छा। शो द कलर। या। दिस इज डिलीशियस। ओह रियली? इट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही गंदी है। What? Are you serious? कोई अलग फ्लेवर है क्या ये? This is a berry flavor. This is berry, sir. मेरे को बेरी नहीं पसंद शायद। इसका एक आफ्टर टेस्ट आता है, वो एक क्लासिक BC डबल है जिसको ब्रांच चेन अमीनो एसिड कहते हैं, जिसपे ड्रिंक बनी हुई है, उसका टेस्ट है।
और वो सबको पसंद नहीं है जी। इसमें आपने डाला है 75 mg आई थिंक कैफीन है एक इसमें, तो वो तो काफी कॉफी है। मैं कॉफी का कैफीन ट्रैक करती हूँ, तो मतलब एक कप कॉफी जितनी ऑलमोस्ट कैफीन है इसमें, तो ये नेचुरल क्या है इसमें? नाउ ये जो कैफीन आपके अंदर जा रही है सिंथेटिक कैफीन नहीं जा रही है, ये हमने ग्रीन कॉफी बीन यूज की है, जितने अमाउंट की ग्रीन कॉफी बीन यूज की है उससे जितनी कैफीन डिराइव हो रही है ये वो वैल्यू उसमें लिखी गई है, क्योंकि वो FSSAI की नॉर्म्स है। सेल्स क्या हुई है आपकी अब तक? सो लास्ट हमने जब पहली फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर 2019 में स्टार्ट किया था, एंड वी क्लोज आवर बुक इन मार्च 2020, तो हमारा जो नेट सेल्स वैल्यू था 1.16 करोड़ था, 6 महीने का था। जी जी। अभी मंथली का क्या चल रहा है? लास्ट मंथ हमारा था वी क्लोज आवर 17.2, और अक्टूबर हमारा है वो ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास पहुंच गया, और हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है फ्रॉम UAE। नहीं लेकिन अभी तो आपके पास भारी नुकसान चल रहा होगा, क्योंकि इतना माल डाल रखा है अपने 1100 दुकान में जो नहीं बिकता है वापस आ जाता है। अभी तक मतलब टचवुड अभी तक कुछ भी वापस नहीं आया। और ये 1100 दुकानें कहाँ हैं और कैसी दुकानें हैं? कुछ 300 स्टोर्स जो है मुंबई में हैं और बाकी के 800 स्टोर्स हमारे बैंगलोर में। चलो ये प्रोडक्ट की बात हो गई, अब मेरे को ये बताओ मार्केटिंग आप लोग कैसे करते हैं? यार अमन एक मैं प्रोडक्ट की एक और बात पूछ लूं, प्राइस क्या है कैन? 110 रुपीज अ कैन नीचे लिखा है। एंड रेड बुल इज सो, एंड रेड बुल इज हाउ मच? 150। वाओ। अच्छा और आपका नाम, सॉरी नाम को लेके लास्ट क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, आई नो आपने नो कार्बोनेटेड ड्रिंक को शॉर्ट किया है, पर नॉक्ट नॉक्ट मतलब समझ नहीं आया था मैंने। नॉक्ट की फिलॉसफी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है आज वो ये नहीं देखते कि उसने एक छोटा गोल सेट किया उसे अचीव करना है, इट्स नॉट अबाउट अचीविंग द गोल, दे वांट टू सरपास द गोल। आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। सो वो जो गोल को नॉक करने का जो फिलॉसफी है, दैट फिलॉसफी वी वांटेड टू इंबाइड विद द नेम नॉक। मार्केटिंग की बात कर ले जी प्लीज। हाँ सर, मैं मार्केटिंग का यही क्वेश्चन था, आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना ही नहीं नॉक्ट। सर हमारा सबसे बड़ा आज के डेट में चैलेंज पूछेंगे, हमारा चैलेंज ही यही है। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रीजन कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कि वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द जीनियसेस, सो समवेयर इफ क्या हमारे को मक्खन लगा रहे थे कुछ नहीं होने वाला। नहीं मस्का की बात नहीं है, मस्का चाहिए नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, मे बी नो वन कम्स ऑन बोर्ड, बट अगर इनपुट भी मिलेगा तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अस टू गेन समथिंग इन द बिजनेस। सो अभी आपका प्रोडक्ट रेडी है? हाँ बिल्कुल रेडी है। डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है? बिल्कुल रेडी है। मार्केटिंग की जरूरत? जी सर। और आपने अभी आप पूछ लो, परेशान कर रहा है करके पूछ लो। ये बनाने में कितना लगता है आपको पैसे? जो 110 का बेस्ट है। 20 रुपीस। वो हाई मार्जिन। यार मैं एक बात करूं, आई हैव काइंड ऑफ मेड अप माय माइंड, ये जो गेम खेल रहे हो ना आप, ये मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। ये बाकी जो स्टोरी अमीनो एसिड फोलिक एसिड बायोटिन ये सब अच्छी स्टोरी है, बट द फंडामेंटल पॉइंट इज इट इज द कॉफी दैट इज गिविंग यू एनर्जी। उसको पैकेज करने के लिए बेचने के लिए आपको एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्टोरी और फैंटास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन गेम चाहिए, वो अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो इसके लिए आई एम सॉरी बट मुझे आउट होना पड़ेगा। आई विश यू द बेस्ट। Welcome to the Ice Age. Oh, you are the entrepreneurs. Yeah. Oh. Hip hop music के दीवाने तो हम बचपन से थे ही। हमने देखा कि इन rappers या singers ने कई सारे chains, rings, bracelets, यहाँ तक कि दांतों में भी jewelry पहनी हुई है। Wow. इस jewelry को iced out कहा जाता है। हमें भी चाहिए थी पर किधर मिली नहीं। इस पॉइंट पे हमने सोचा ज्वेलरी फॉर द न्यू एज, जिन्हें जेन जी या मिलेनियल्स कहा जाता है। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम राघव है। और मैं आदित्य हूँ। हम 19 इयर्स ओल्ड जयपुर से है। wow. और हम ही जिले के फाउंडर्स हैं, जिसमें हम पेंडेंट्स, चेन्स, रिंग्स, इयररिंग्स, टीथ ग्रिल्स, यहाँ तक कि कस्टम पीसेस भी बनाते हैं। wow. हम ही चाहते हैं कि हम ज्वेलर्स की तरह जाने जाए। ज़िलियनेयर को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना है कि आज आपकी कुर्सी पे ज़िलियनेयर का लोगो है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाए। आज बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंडियन म्यूजिशियंस, रैपर्स, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। ज़िलियनेयर की इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ और पॉपुलैरिटी है क्योंकि हमारा मार्केटिंग स्टाइल, डिजाइन और कॉन्सेप्ट बहुत ही बोल्ड और यूनिक है। ऑलराइट राघव, आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 पर। आप ये बताइए, यहाँ पे आपने टैगलाइन लिखा हुआ है, वेलकम टू द आइस एज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टेटमेंट? इसका मतलब हुआ कि ज्वेलरी के हर एक मिलीमीटर पे स्टडिंग हुई है, एक एक छोटा 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 स्टोन लगा है। हमारी ज्वेलरी आइस्ड आउट है, ब्लिंगी है,
अचंबा हो गया एक तरह से कि आप जयपुर से आकर इतना हिप हॉप कल्चर की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा समझाएं इसके बारे में। जब हम 16 ईयर्स के थे 2020 में, जब पहले कोविड का लॉकडाउन आया था, तो आदित्य और मैं काफी म्यूजिक डिस्कस करने लगे डिफरेंट रैपर्स, मतलब लॉकडाउन में कुछ करने के लिए तो था नहीं। And you were in school at that time? Yeah, 11th grade. Okay. फिर हमने देखा इन वीडियोस पे कि जो रैपर्स हैं, सिंगर्स हैं, इन्हें बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, खुद के नाम, कस्टम पेंडेंट्स, बड़े बड़े। हमें खुद ऐसी ज्वेलरी पहननी थी तो हमने खुद के लिए बनाई, बट हमने इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाया और हमने डिज़ाइंस अपलोड किए, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। मैंने रिसेंटली एक चीज़ के बारे में पढ़ा जिसे बोलते हैं शर्पा मेंटालिटी। शर्पा वो लोग होते हैं जो माउंटेंस चढ़ते हैं, तो जब कोई माउंटेन चढ़ता है तो ये नहीं देखते कि आगे कौन सा रास्ता है, क्या आएगा, क्या होएगा, बस चलते रहते हैं विदाउट एनी थॉट्स। तो मेरा भी यही माइंडसेट है बिजनेस में। हमने नहीं सोचा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है, ये ज्वेलरी को इंडिया में पहनेगा नहीं पहनेगा, हमने सारे थॉट्स को एकदम अलग रख दिया और बस हम करते गए। तो बेसिकली जैसे लोग खुद को स्टाइल करते हैं, खुद के चेहरे पे चश्मे लगाते हैं, हम एक पैंडा पे लगा रहे हैं और एक ये पेंडेंट पे लगा रहे हैं, तो इम्पॉसिबल है। सेलिब्रिटीज़ को तो बहुत ही मज़ा आएगा ये पहन। इसकी आंखों में भी जो अंदर वाला डॉट है ना, वहाँ ब्लैक बनेगा, बाकी पूरा वाइट है। हमारे दिमाग में माइंड सेट था कि वी हैव टू बी हसलर्स, कुछ ना कुछ तो बनाना ही। द स्काई इज द लिमिट फॉर बोथ ऑफ अस। नाइस नाइस। 19 साल के हो ना? हाँ। Why jewelry? आपका कोई background रहा है jewelry में? My dad has been into this gem and jewelry industry from last 30 years. वो manufacturer, exporter है बड़े-बड़े major jewelry designer houses के लिए, ऐसे America, UK, Europe. और college नहीं गए? मैं college में पढ़ता हूँ, Parsons School of Design, New York. Parsons is brilliant, one of the top schools for design. Course. How did you get in? मतलब admission वगैरह easily हो गया? Zillion की वजह से मुझे 40% scholarship है। Wow, well done. और आप कुछ फुल टाइम प्रैक्टिकल पढ़ाई इतनी हो रही है यहाँ पे, तो थियोरेटिकल का क्या मतलब, पर फ्यूचर में ऑफ कोर्स मैं देखूंगा जाने का। तो आदित्य जो आपका जो फैमिली बिजनेस है वो तो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वेलरी बनाते होंगे ना? हाँ, माय डैड इज इनटू जस्ट फाइन ज्वेलरी, मतलब बहुत वुमेन सेक्टर ज्वेलरी बनाते हैं लोग। तो आज प्रोडक्शन वही करके देते हैं? यस, पूरा GCGEMS कॉर्पोरेशन है जो मेरे डैड की फर्म है। कंपनी अलग अलग है कि कंपनी एक ही है अभी? हाँ, ज़िलेनियर तो अलग रजिस्टर्ड है हम दोनों के नाम से। अच्छा, और सैंपल होंगे तो मेबी यू कैन शेयर विद अस। टू शो यू मुझे वो जिसपे सिंग लिखा है वो चाहिए। This is a shark for shark. Oh, and headphone pendant. For all of us. Headphones pendant also. Oh, and sharks beautiful, also. Bro. Oh, nice. I love it. दिखा दिखा दिखा. अनुपम इधर आमन इधर आ. ओए अनुपम मत बुलाइए मुझे, अच्छी बात मैंने तेरे पहले भी बताई, एक लोगों ने पहले बुलाया था, गुस्सा आ जाता. I'm with you. All right. Nice. I love it. Hey. Yo, I'm a zillionaire. ये वाला शायद आपको अच्छा लगे। ये क्या है? हाँ, ये दे दे। ये nerd nerd emoji pendant है। वैसे मैं nerd नहीं हूँ पर ठीक है। नहीं nerd मतलब इसमें glasses है ना। I love it, man. You guys are doing a great job. You look so good. अरे राघव, एक बार अपना दांत दिखाओ ना उसके। Oh my god. Turn. दिख रहा है? Yeah, totally. These are real diamonds. These are cubic zirconia. Caesar. मुझे अमन का काफी कूल लग रहा है। मेरा बहुत कूल लग रहा है। यार मेरे को एक ऐसा चाहिए आईवेयर का कूल आईवेयर। For sure. ठीक है। I think maybe I've seen you guys on Instagram. हाँ। Yeah. हमारा Instagram verified भी है। हाँ। कितने followers हैं? 32,000. Not bad. 2 years. ये हमारा Instagram page है। And बहुत सारे celebrities भी हमारी jewellery पहनते हैं। Like रफ्तार, बीप राक, मंज म्यूजिक, Progressive Brothers, सब। रणवीर सिंह, जानवी, अनन्या पांडे। How did you get in touch with them? उनके stylist के through reach out किया, वो हमको DM करते हैं। DM पे हम fix कर लेते हैं meeting, हम connect करते हैं call पे, custom piece बनाते हैं, फिर collections में को जो चीज होता है। Wow, that's crazy man.